Good morning students. From today we are going to start our chapter 10, that is motion and time. Okay, so in this chapter we are going to study about what the motion and how does the motion changes with time. Okay, so first of all let us understand that what do we mean by the term motion. So motion ka matlab hota hai, if something is moving then it is said to be in motion, right? मतलब अगर किसी object की position time के respect में change हो रही है, so we can say that the object is moving and then we can say that the object is in motion, right? अगर कोई पहले अगर किसी time पर कोई object यहाँ पर था, अब वो object चलकर यहाँ पर आ गया है, so we can say that the object has moved from position A to B, that means it is in motion, right? So अगर time के respect में object की position change हो रही है तो हम बोलेंगे कि object motion में है. Now let us see the main headings of the chapter, that in this chapter we are going to study about the slow or fast motion. Slow or fast motion क्या होता है, then speed क्या होती है, किस तरीके से हम किसी भी object की speed को calculate कर सकते हैं, that thing we are going to discuss. ऑल्सो पेंडुलम आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अभी इस चैप्टर में हम समझेंगे कि पेंडुलम क्या होता है. देन अगेन स्पीड हम देखेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड, मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजर करेंगे, एंड यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, और टाइम और स्पीड की यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो बेसिकली इन दिस चैप्टर हम मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करने वाले हैं, और टाइम के साथ उसका क्या रिलेशन है. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. अ टाइम एंड मोशन स्टडी और टाइम मोशन स्टडी इज़ अ बिजनेस इफिशियंसी टेक्निक कंबाइनिंग द टाइम स्टडी वर्क ऑफ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर विद द मोशन स्टडी वर्क ऑफ फ्रैंक एंड लिलियन गिब्रेक, द सेम कपल एज इज बेस्ट नोन थ्रू द बायोग्राफिकल 1950 फिल्म एंड बुक चीपर बाय द डजन. बेसिकली यहाँ पर आपको दो साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, और उन दोनों साइंटिस्ट ने मोशन को अलग अलग तरीके से स्टडी किया था. एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने टाइम के कंपैरिजन, टाइम की हेल्प से मोशन को एक्सप्लेन किया था, और जो फ्रैंक लिलियन गिलबर्ट हैं उन्होंने भी मोशन की स्टडी की थी, और इन दोनों को मिलाकर बेसिकली जो मोशन है उसकी एक एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने आई. इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलरिज्म. आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन टाइम स्टडी डेवलप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड टाइम्स, वाइल द मोशन स्टडी डेवलप्स इनटू अ टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग वर्क मेथड्स. और इन दोनों की जो थ्योरीज थी, एक की मोशन थ्योरी थी और एक की टाइम थ्योरी थी, इन दोनों की जो थ्योरीज़ हैं वो दोनों बहुत हेल्पफुल रहीं आगे जितने भी इन्वेंशंस हैं, आगे बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स में ये जो दोनों थ्योरीज़ हैं वो हेल्पफुल रहीं. द टू टेक्निक्स बिकम इंटीग्रेटेड एंड रिफाइंड इनटू अ वाइडली एक्सेप्टेड मेथड एप्लीकेबल टू द एप्लीकेबल टू द इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडिंग ऑफ वर्क सिस्टम. और ये दोनों जो दोनों टेक्निक्स हैं उससे काफ़ी चीज़ों के वर्क सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुआ, और बेसिकली जो मोशन थ्योरी और टाइम थ्योरी है वो दोनों बहुत सारे चेंजेस लेकर आई हमारी सोसाइटी में, हमारे साइंस की फील्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए. दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच टू वर्क सिस्टम इम्प्रूवमेंट इज़ नोन एज मैथड्स इंजीनियरिंग एंड इट इज़ अप्लाइड टूडे टू इंडस्ट्रियल एज वेल एज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग बैंक्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. और बेसिकली इससे जो वर्क सिस्टम इम्प्रूव हुआ उसका अलग अलग फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हमारे लिए, वेदर इट बी इंजीनियरिंग, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बैंक्स एट्सेट्रा, राइट. In our world, continuous changes are taking place. हमारे वर्ल्ड में कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं, राइट.
कोई भी चीज़ अपनी जगह पे स्थिर नहीं है, इवन हमारी अर्थ जो है वो भी अपनी पोजीशन पर स्थिर नहीं है. कंटिन्यूअसली इट इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट. ये चीज़ आपको पता है कि हमारी अर्थ कंटिन्यूअसली अपनी एक्सिस पर रोटेट करती रहती है और अर्थ के ऑर्बिट्स के अराउंड चक्कर लगाती रहती है, जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, राइट. तो हमारे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, वेदर उनका स्टेट हो, उनकी पोजीशन हो या और कोई चीज़ हो. मैनी थिंग्स मूव कंटिन्यूअसली, सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं. द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, ऑफ द व्हीकल्स, द रिवर्स आर ईजिली ऑब्जर्व्ड. एनिमल्स को आप चलते हुए ईजिली देख सकते हैं, व्हीकल्स को चलते हुए देख सकते हैं, रिवर्स फ्लो होती हैं, हम इन सारी चीज़ों को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे आसपास. और ये सारी चीज़ें एग्जांपल है कहीं ना कहीं मोशन का. लेस ऑब्वियस बट जस्ट एन इम्पॉर्टेंट एज इम्पॉर्टेंट आर द मोशन ऑफ प्लांट्स एज दे ग्रो एंड दे एंड रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड अदर स्टिमुलाई एंड द मोशन ऑफ द एटम्स विच आर कंसिडर्ड टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर. और जैसे एनिमल्स में मोशन हो रहा है, ह्यूमन बींग में मोशन हो रहा है, रिवर में मोशन हो रहा है, व्हीकल्स में मोशन हो रहा है, वैसे ही प्लांट्स में भी एक तरह का मोशन होता है. जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट, तो वहाँ पर उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनकी बॉडी में वो इंक्रीज़ होते हैं. और दैट इज़ ऑल्सो एन एग्ज़ाम्पल ऑफ मोशन, क्योंकि जो प्लांट है वो भी जब ग्रो कर रहा होता है, लाइट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा होता है, तो ऑल दीज आर ऑल्सो द मोशंस, राइट. मूवमेंट इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच वी लिव. मूवमेंट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे यूनिवर्स का. हर चीज़ मोशन में रहती है, हर चीज़ मूवमेंट करती ही रहती है, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम चीज़ें मोशन में रहती हैं और हर एक चीज़ का मूवमेंट जो है वो होता रहता है. इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स वेदर प्लांट और एनिमल कैन मूव इन सम वे और द अदर. और हम ईजीली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेदर प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो मोशन में रहता है, वो अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस होता है और उसमें हम मोमेंट ईजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. अ बॉय रनिंग टू कैच अ बॉल थ्रोन इन द एयर, अ मैन पुलिंग अ कार्ट ऑन द रोड, अ पेयर ऑफ ऑक्सन पुलिंग द प्लफ इन द फील्ड आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन इन एनिमल्स, राइट. एक बॉय है जो बॉल को कैच कर रहा है, तो बॉल को कैच करने के लिए उस बच्चे को दौड़ना पड़ेगा, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है इसका मतलब वो मोशन में है, राइट. अ मैन पुलिंग अ कार्ट ऑन द रोड, अगर एक मैन है वो एक कार्ट को पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन बिकॉज इट्स पोजिशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट. अगर बैल हैं, ऑक्सन मतलब बैल होता है, अगर पेयर ऑफ ऑक्स हैं या जिसको हम बैल बोलते हैं, तो बैलों का अगर एक पेयर है वो एक कार्ट को अपनी तरफ वो अगर प्लफ फील्ड को प्लफ कर रहा है, फील्ड की प्लफिंग कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन. We have learnt about different types of motion. Can you identify these motion in the following table? हमने बहुत सारे motions पढ़े अलग अलग type के. अगर हम उनको classify करना चाहें, उनका type बताना चाहें, so यहाँ पर आपको एक table दे रखी है और कुछ examples दिए हुए हैं motion के. कौन सा motion किस type का है, that you have to write here. Okay, so this thing you have to buy your own. But उसके पहले हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि मोशन एक्चुअल में कितने टाइप्स का हो सकता है. उसमें सबसे पहली कैटेगरी है स्लो और फास्ट मोशन, राइट. सो ऐसा हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्लोली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बोलेंगे स्लो मोशन. और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन फास्टली चेंज कर रहा है, उसकी पोजीशन में फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, so that is an example of fast motion. Okay, you might have noticed that a car moves faster than bicycle on road. आपने notice किया होगा कि एक car है
और एक बाइसिकल है, तो ऑब्वियसली जो कार है वो ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू द बाइसिकल, राइट? वो ज़्यादा फास्ट चलती है बाइसिकल के कंपैरिजन में. अ कार इट्सेल्फ कैन मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स. और कार खुद में भी स्लो भी चल सकती है, फास्ट भी चल सकती है. ऑब्वियसली अगर ट्रैफिक है तो आप कार की स्पीड कम कर लेते हैं, अगर रोड खाली है तो हम कार की स्पीड थोड़ी बढ़ा लेते हैं, राइट? सो इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट स्लो स्पीड में चल रहा होता है तो उसको हम बोलेंगे स्लो मोशन है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट स्पीड में चल रहा होता है तो दैट इज़ सेट टू बी इन द फास्ट मोशन. द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर. एक ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी स्पीड फास्ट है या स्लो है. ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कैसी होगी? कम, राइट? क्योंकि टाइम ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है, तो उसकी स्पीड कम होगी. वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट उतने ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, राइट? सो किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम बोलते हैं स्पीड, राइट? अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा, और अगर डिस्टेंस कम तो स्पीड भी कम. फॉर एग्ज़ाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द रेलवे स्टेशन ऑन द मोटरसाइकिल. आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने फ्रेंड को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गए हैं मोटरसाइकिल पे. सपोज़ यू स्टार्ट योर मोटरसाइकिल एट द सेम टाइम एज द ट्रेन बिगिन टू मूव. सपोज़ आपने उसको ट्रेन में बैठा दिया और अब ट्रेन जो है और आपकी मोटरसाइकिल जो है दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुई. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the train. और अगर हम 5 मिनट बाद देखें तो 5 मिनट बाद जितनी डिस्टेंस आपकी मोटरसाइकिल ने ट्रैवल की है वो डिस्टेंस बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो डिस्टेंस ट्रेन ने कवर की होगी इन दैट 5 मिनट्स, राइट? एंड द ट्रेन विल बी फार अहेड ऑफ यू. और जो ट्रेन है वो हमसे बहुत आगे होगी, राइट? तो इसका मतलब क्या, हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा और मोटरसाइकिल की स्पीड कम, राइट? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा या कम हमको कैसे पता चला? कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है किसी पर्टिकुलर टाइम में, राइट? वी मेजर हाउ फास्टर और स्लोअर एन ऑब्जेक्ट इज़ बाय मेजरिंग इट्स स्पीड. हम मेजर कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या कितना स्लो है. ये हम कैसे पता कर सकते हैं? उसकी स्पीड को मेजर करके. तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है तो मैं ये पता लगा सकता हूँ इजीली कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, राइट? नाउ हम बार बार एक टर्म यूज़ कर रहे हैं स्पीड, तो अगर हम साइंस की टर्म्स में समझें कि स्पीड क्या होती है, सो बेसिकली वी कैन से दैट स्पीड इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, राइट? जो चीज़ अभी तक हम स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड कितनी है, राइट? तो उसी को अगर मैं एक मैथ्स में फॉर्मूले की हेल्प से लिखना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्पीड इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन टू डू सो, राइट? एक एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और उसको उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना समय लगा, इस डिस्टेंस अपॉन टाइम के रेशो को हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है. इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम. या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है. यूनिट टाइम का मतलब होता है 1. सो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और अगर टाइम 1 हो गया तो स्पीड और डिस्टेंस जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, राइट? सो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम और स्पीड इज़ इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस, तब जब हमारा टाइम जो है वो यूनिट हो, मतलब उसकी वैल्यू 1 हो. So you have to learn this formula that speed is equal to total distance traveled
upon my total time taken. This is a very important formula. Okay, it is measured in meter per second. Now students, ऊपर दिया हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर. ओके, अगर हमको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए SI यूनिट होती है मीटर, आपको ये याद करना पड़ेगा. और टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड, राइट. तो स्पीड की SI यूनिट क्या हो गई, मीटर अपॉन सेकेंड, और जिसको हम मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं. ओके, सो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन माई टोटल टाइम टेकन, एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. स्पीड इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर. अब मीटर और सेकेंड तो बहुत छोटी यूनिट है, राइट. ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए बहुत ज़्यादा देर तक ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड को हमको आवर में कैलकुलेट करना पड़ेगा. और जब हम स्पीड को आवर में कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस के लिए हमको किलोमीटर लेना पड़ेगा. ओके, सो स्पीड की एक और यूनिट होती है, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर. तो हम स्पीड को या तो मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे या फिर किलोमीटर पर आवर में. इन आवर डेली लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. हम हमारी डेली लाइफ में अक्सर ये देख सकते हैं, अक्सर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जो कॉन्स्टेंट स्पीड से चलते हैं बहुत लंबे समय तक. ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड से चलने का मतलब उनकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है. मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं और हमने एक्सेलरेटर को एक कांस्टेंट स्पीड पर रखा हुआ है और हम एक्सेलरेटर नहीं घुमा रहे हैं. ठीक है, तो जब हम एक्सेलरेटर घुमा ही नहीं रहे हैं तो हमारी कार की या हमारी बाइक की स्पीड चेंज नहीं होगी और हम एक कांस्टेंट स्पीड पर चलते रहेंगे, राइट. तो जब हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही होती है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है. अगर हम एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी. तो अगर हम इस तरह का मोशन कर रहे हैं कि जिसमें हम ब्रेक्स और एक्सेलरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर हम इस तरह का मोशन कर रहे हैं जहाँ पे हमने ब्रेक्स भी अप्लाई नहीं किया, एक्सेलरेटर भी अप्लाई नहीं किया और एक कांस्टेंट स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग. तो स्पीड अगर अलग अलग है तो नॉन यूनिफॉर्म, और अगर स्पीड सेम है तो यूनिफॉर्म. दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड. ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन. In this case, the average speed is always is same as the actual speed. और इस केस में actual speed जो है वो average speed जो है वो actual speed के same होती है, right? Now uniform speed क्या होती है वो समझते हैं. That what do we mean by uniform speed? If a body covers equal distance in equal interval of time, then its speed is said to be uniform. अगर कोई object equal टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड को हम बोलेंगे दैट इट्स स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, राइट. सो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में इक्वल अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस मेजर कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ए पोजीशन पर हो, ये हो गई बी और ये हो गई सी. अगर हम ए से बी तक की दूरी 5 मीटर है, बी से सी तक की दूरी भी 5 मीटर है, अगर हमको ए से बी तक जाने में 2 मिनट लग रहे हैं, बी से सी तक जाने में भी 2 मिनट लग रहे हैं, सिमिलरली सी से डी तक जाने में भी 2 मिनट लग रहे हैं, तो जब हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कि हम हमेशा 2 मिनट में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस तरह की स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड. वैन यू ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. एग्जाम्पल, सपोज अ स्कूटर ट्रैवल 10 मीटर्स एवरी 5 सेकेंड्स. एक स्कूटर है जो हर 5 सेकेंड में 10 मीटर मूव करती है, राइट. मतलब 5 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 10 सेकेंड में 20 मीटर, फिर 15 में 30 मीटर. इस तरीके से अगर कोई कार ट्रैवल कर रही है या अगर कोई स्कूटर ट्रैवल कर रही है
देन द स्पीड ऑफ द स्कूटर इज सेट टू बी द यूनिफॉर्म, और तब हम उस स्पीड उस बाइक की उस स्कूटर की स्पीड को बोलेंगे कि उस स्कूटर की स्पीड जो है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, और उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल उसने डिस्टेंस जितनी ट्रैवल की वो अपॉन में उसको टोटल टाइम जितना लगा वो। तो हमने डिस्टेंस लिख दी 10 और टाइम लिख दिया 5, तो 10 अपॉन 5 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आप इसको मीटर पर सेकेंड ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम इसको मीटर सेकेंड इनवर्स ऐसा भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ओके, सो वी यू कैन राइट इट इन आइदर वेज। जब आप इस एस को ऊपर भेज देते हो तो पावर माइनस में हो जाती है, दैट्स वाई वी हैव रिटर्न माइनस साइन हियर। ओके, बोथ द थिंग्स आर सेम। नाउ अब अगर हम बात करें वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सो व्हाट डू वी मीन बाय द वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में ट्रैवल कर रही है, तो उसकी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल ये ए, सेम चीज़ जो हमने पहले मानी थी, ये ए बी और सी इनके बीच की दूरी है 5 मीटर। ओके, तो ए से बी तक जाने में मान लीजिए आपको 2 मिनट लग रहे हैं, फिर बी से सी तक जाने में 3 मिनट्स लग रहे हैं, फिर सी से डी तक 4 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब क्या, आप हर बार 5 मीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहे हो लेकिन अलग अलग टाइम लग रहा है आपको, राइट। तो जब आपको सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अलग अलग टाइम लगे या सेम टाइम में आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, तो दैट काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट काइंड ऑफ स्पीड इज सेट टू बी द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी स्पीड जो है वो वेरिएबल होती है या नॉन यूनिफॉर्म होती है, राइट, क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम कांस्टेंट स्पीड की बात करें या यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, तो यूनिफॉर्म स्पीड का बेस्ट एग्जांपल होगा हमारी अर्थ। आपको पता है हमारी अर्थ जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और उसका जो कांस्टेंट टाइम होता है दैट इज़ 365 डेज, राइट। अर्थ का एक कम्प्लीट रिवॉल्यूशन 365 डेज में कम्प्लीट होता है, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म। दस टू मेजर स्पीड वी नीड टू नो द टू थिंग्स। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में अगर हमको स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस मूव की है वो, और दूसरी चीज़ टाइम टेकन टू मूव दैट डिस्टेंस, और उसको उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, दिस थिंग, राइट। तो ये दो चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए जब भी हम स्पीड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, सो इस तरीके से हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। सो टुडे वी हैव सीन अ बेसिक आइडिया अबाउट द मोशन, राइट। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, देन वी हैव सीन द स्लो एंड फास्ट मोशन, देन द टाइप्स ऑफ स्पीड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, द फर्दर टॉपिक्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।